तो जी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन जगन्नाथ कम्युनिटी कॉलेज में। और यहाँ देखो भाई सूर्य देवता भी आ चुके हैं, धूप हो चुकी है, टाइम हो रहा है भाई 11:15, सिर्फ 15 मिनट बाकी है मीटिंग चालू होने में। तो जी गाइस यहाँ पे रेडी है अपनी मस्त छोले कुलचे की प्लेट और मम्मी पापा जा रहे हैं भाई चंद्रमा पूजन के लिए। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ न्यू फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। और गाइस फाइनली कल के दिन हम लोग सक्सेसफुली अपनी पूरी की पूरी यात्रा यानी माता वैष्णो देवी और साथ में अपना गोल्डन टेम्पल को फाइनली कंप्लीट करके आ चुके थे यार, वॉच आउट करके आ चुके थे, अच्छे से दर्शन करके बाबा जी का आशीर्वाद लेके माता जी का आशीर्वाद लेके फाइनली वापस घर को आ चुके थे यानी गोहाना को, मेलनी हरियाणा को। फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अपनी मंदिर में यार सुबह सुबह आरती हो चुकी है, जोत जग चुकी है। मम्मा घर का हाल क्या बना रखा है आज? आपकी मेहरबानी है। लो जी ये देखो भाई साहब, लगेज सारा का सारा ऐसे पड़ा है, चादर यहाँ पे खिंडी हुई पड़ी है, ब्रेकफास्ट यहाँ पे तैयार है। ब्रेकफास्ट में देखो भाई भिंडी की सब्जी है, परोंठे बना रखे हैं, चाय बना रखे हैं। और आपको बता दूं गाइस आज की गुड मॉर्निंग हुई है ना भाई बहुत ज्यादा जल्दी हुई है भाई, इसके पीछे एक कारण है। पहले अभी टाइम देखो, पूरे यहाँ पे पूरे 7 बज रखे हैं यार। और आपको सच्ची बताऊं अपनी नींद तो फाइनली पूरी हुई नहीं है क्योंकि कल रात को भी हम लोग अपनी यात्रा पूरी करके आए थे और फिर भी एडिटिंग करके पूरे 1 बजे सोए थे सुबह के। और आपको बता दूं गाइस फाइनली ना अपने को ना दिल्ली से एक मैसेज आया है, अपने ना कॉलेज में कोई मीटिंग है, सो वो अटेंड करने कंपलसरी आज जाना ही जाना पड़ेगा। मम्मा जी कहाँ जाना पड़ेगा आज अपने को? दिल्ली रोहिणी में ना? यस बेटा रोहिणी जाना पड़ेगा यार। और आपको सच्ची बताऊं यहाँ से तो भाई सीधा सीधा रोडवेज लेंगे, सुबह सुबह सिर्फ 2 घंटे में अपने को दिल्ली लगा देगी बस यार, दिल्ली पहुंचा देगी। और दिल्ली ISBT की यार अपने को अपने बस स्टैंड से फाइनली बस लेनी पड़ेगी। और मम्मा जी कल भी बस के सफर में थे, आज भी बस के सफर में है। यस मम्मा प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। और सब बढ़िया मम्मा? थकावट उतर गई है? बिल्कुल बिल्कुल उतर गई है गाइस। फिलहाल ये देखो भाई ये अपने फॉर्म है यार जो कि अपन लोगों को लेके जाने हैं, सो छोटे से फॉर्म है यार, 2-3 फॉर्म है, सो इसके लिए एक बैग ले लेते हैं। और ये देखो भाई सब फोटो में कैसा लग रहा हूं मैं, अजीब सा नहीं लग रहा? नोटी सा भाई 5 साल पहले की फोटो है और उस टाइम तो हम लोग नोटी थे। बाकी आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ, अभी भी नोटी है भाई, ये बात आप नोट कर लो। बिल्कुल। और आपको बता दो गाइस फाइनली मैं कल आपको कह रहा था कल अपने नए शूज आएंगे, आए थे यानी अपने नए शूज आए थे। फाइनली सोच रहा था कब प्रोग्राम आएगा, फंक्शन आएगा, मतलब किस दिन वो मैं डाल के जाऊंगा, कहाँ डाल के जाऊंगा, कहीं बाहर अंदर जाना पड़ेगा तो मतलब कहाँ डाल के जाऊंगा। फाइनली हुआ आज आके टाइम दिल्ली डाल के जाने का। बस रात को नींद आ पाई या नहीं? हाँ रात को नींद भी नहीं आई भाई, कितने बढ़िया से सुंदर से प्यारे जूते आए हैं और कब डाल पाऊंगा, फाइनली आज वो भी डालनी है। आपके सामने गाइज और मेरे को लग रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आते आते ना इस पे एक काला टीका जरूर लग जाएगा, है ना मम्मा? ऐसा कुछ नहीं है। काला टीका यानी मतलब गंदे हो जाएंगे शूज आते जाते, वो तो होंगे यार। और बाकी फिलहाल जल्दी जल्दी से ना तैयारियां करते हैं, अपने बैग में अपना फॉर्म डालते हैं, ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, मम्मी ने इतने प्यार से बना रखा है। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे अपना खाना पीना हो चुका है खत्म और मम्मी प्लेट्स कहाँ हैं? प्लेट्स अपनी जगह पे जा चुकी हैं और तुम्हारा भाई भी जा रहा है भाई अपनी जगह पे यानी दिल्ली निकलने के लिए एकदम रेडी है। एक बैग देखो भाई पीछे टांग लिया ये वाला और एक अपना बैग ये रहा छोटा सा। चले मम्मा रेडी? यस बेटा। ओके आशीर्वाद दो मम्मा, बी केयरफुल। ओके बाय 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 पापा जी, बाय बाय। ठीक है बेटा, वैसे बाय बाय नहीं कह रहा पापा को क्योंकि पापा तो चल रहे हैं यार अपने को बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए ना। हाँ बस स्टैंड से दिल्ली के सीधा बस पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी 2 घंटे में 2.5 घंटे में पहुंचते हैं अपना दिल्ली। लेट्स गो गाइस एंजॉय करते हैं। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे अपन लोग आ चुके हैं भाई गोहाना के बस स्टैंड पे और देखो भाई कितना क्लीन हो रहा है भाई। और सुबह सुबह ना भाई मौसम भी बहुत बढ़िया है, फिलहाल ना अभी सनराइज जस्ट हुआ ही है तो इसलिए ठंडा मौसम है। टाइम अभी का देखो भाई 7:20, ब्रेकफास्ट अपना फाइनली ओवर हो चुका था। इधर देखो भाई एक नंबर पे सोनीपत वाली बस लगती है, दिल्ली वाली लगती है, लेकिन ये है भाई सोनीपत वाली, अपने को लगता है भाई चेंज करनी पड़ जाएगी सोनीपत से।
पापा क्या कहते हो, चेंज करूं? सोनी बस चेंज कर लियो दिल्ली की बेटा। दिल्ली की नहीं आएगी यहाँ पे पापा? दिल्ली शायद ना आए। ना भी आए यार, सो सोनीपत वाली में बैठ जाते हैं यार। और जल्दी जल्दी से ना अपने कॉलेज में पहुंचते हैं यार, वहाँ पे ना अपना काम नक्की करना है, निपटवाना है भाई। ठीक है पापा जी, बाय बाय। ठीक है पापा, शाम को मिलते हैं पापा, शाम को। ठीक है बेटा, चलते हैं गाइस और जल्दी से बैठते हैं भाई। तो जी गाइस फाइनली वी हैव रीच टू भाई सोनीपत के बस स्टैंड। बस स्टैंड ये रहा भाई, टाइम हो रहा है भाई पूरे 8:30। और गाइस फिलहाल ये रही भाई अपने सामने दिल्ली की बस, अपने को इसी में चढ़ना है। और आपको ये बता दूं भाई, 10:30 बजे अपनी मीटिंग है भाई दिल्ली में, और वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक हो गया भाई, सोनीपत वाली बस वो रही जिससे हम लोग अभी जस्ट उतरे हैं, और अपने सामने दिल्ली की बस है। अंकल जी दिल्ली जाएगी, ये दिल्ली जाएगी ना? लेट्स सी गाइस कहाँ जा रही है। और दिल्ली जा रही है तो भाई चढ़ते हैं और पीस आउट करते हैं भाई सोनीपत का बस स्टैंड ना। लेट्स गो। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग। और अभी फिलहाल तुम्हारा भाई फाइनली पहुंच चुका है भाई दिल्ली के ISBT पे, यानी दिल्ली के बस स्टैंड पे। और कितना खुला है भाई, देखो यार ये बस स्टैंड देखो भाई कितना खुला ही खुला है भाई, पूरा फ्री स्पेस है। और एक एक करके भाई बसें बाहर से आ रही, अंदर एक एक करके बहुत सारी बसें यहाँ पे लग चुकी हैं। और फाइनली तुम्हारे भाई को ना सोनीपत से मस्त तरीके की भाई रोडवेज मिल चुकी थी दिल्ली तक की, आराम से पूरे 1 घंटे में उतार दिया। और अभी का टाइम हो रहा है भाई 10:05, लेकिन एक ना भाई समस्या हो गई है। समस्या कुछ ऐसी है भाई, अपनी मीटिंग हो चुकी है भाई 11:30 बजे तक की डिले, और मैं सोच रहा था भाई 10:30 की मीटिंग है, लेकिन अभी मीटिंग है भाई 11:30 बजे। और ये देखो भाई ये है भाई पूरा मेट्रो स्टेशन जहाँ से मेट्रो जाएगी। और अपना सफ़र ना फिलहाल अभी कुछ बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें ISBT से सीधा जाना है भाई रोहिणी सेक्टर 3। सो ऊपर चलते हैं गाइस मेट्रो स्टेशन से, और अभी तो यार सिर्फ 10:00 बजी है, 1.5 घंटा क्या करेंगे भाई, अपना फिर दोबारा पोपट हो गया। और जब भी दिल्ली आते हैं ना भाई 1-2 पोपट करा के ज़रूर जाते हैं। बाकी बसेस देख लो भाई, 1 से 1 बसेज आ रही है भाई, वो भी सारी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज। फिलहाल गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये देख लो भाई, ये आपको दिख रहा है ना ASBT, ये बस स्टैंड है भाई। यहाँ से ऊपर चल के चलते हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो पकड़ते हैं भाई सीधा रोहिणी की, चलते हैं गाइज अपनी कॉलेज में। लेकिन पोपट ये है भाई, 1.5 घंटा बिताएंगे कहाँ। तो ठीक है गाइज यार कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी बहुत भूख भी लगी है, चलते हैं गाइज सीधा अपने कॉलेज को। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली यहाँ आ चुके अपनी मेट्रो भाई रोहिणी के लिए ना। हाँ चलते हैं अंदर। तो जी गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं भाई रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के भाई एग्जिट गेट पे, ऊपर एग्जिट हो चुके हैं भाई, वहां से देखो भाई वहां से हम लोग आ रहे हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। और आपको बताता हूँ भाई एक काम अभी रह रहा है भाई, अपने को जाना है भाई ऑटो रिक्शा से सीधा कहाँ पे ना, अपने जगन्नाथ कॉलेज में जो कि रोहिणी सेक्टर 3 में पड़ता है। तो पूछते हैं गाइस रोहिणी सेक्टर 3 बैठो, जगन्नाथ कॉलेज बैठो। तो जी गाइस फाइनली हम लोग अपना मेट्रो स्टेशन से उतर के सीधा आ चुके हैं भाई अपने यहाँ पे ऑटो रिक्शा में, और भैया अपने को छोड़ रहे हैं भाई रोहिणी सेक्टर 3 में अपने जगन्नाथ कॉलेज के आसपास। आज सुबह से भाई सिर्फ एक परांठा खा रखा है और कुछ भी नहीं खा रखा, सो वहीं पे कुछ ना कुछ खाए पिएंगे। बाकी ये देखो भाई दिल्ली की रोड्स पे हम लोग डोल रहे हैं भाई, एकदम साफ साफ है भाई, साफ सुथरी क्लीन अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है भैया थैंक यू। तो जी गाइस फाइनली हम लोग ऑटो से फाइनली पहुंच चुके हैं भाई जगन्नाथ कॉलेज के आसपास, और अंदर की साइड ना यानी इसके अंदर दीवार के बाहर भाई जगन्नाथ कॉलेज ही है जहाँ पे अपने को काम था भाई, जो भी शेड्यूल था, और हम लोग बिल्कुल टाइम से पहुंचे हैं। ये देखो भाई पूरे 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:30 की अपनी मीटिंग है। और ये देखो भाई जहाँ से अपन लोगों ने पिछली बार खाया था वहीं पे अंकल जी यहीं पे हैं। और अंकल जी क्या हाल है? बढ़िया। एक बार ऐसे कर दो, पिछली बार आए थे तब भी भैया से खाए थे छोले कुलचे, भैया मस्त बना दो एक प्लेट। और अपना बैक साइड में सारा जगन्नाथ कॉलेज है जहाँ पे अपन लोगों को आज काम है। बाकी ठीक है गाइज जल्दी से अंदर चलते हैं, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सो सारी फॉर्मेलिटीज निपटा के बाहर आते हैं जल्दी से काम निपटा के। टाइम अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सो आराम से छोले कुलचे खाते हैं। वैसे तो यार इनके पास छोले चावल भी है, राजमे चावल भी है, पर ठीक है यार अपने को छोले कुलचे पसंद है। और सुबह से भाई सिर्फ एक परांठा खा रखा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया,
ये देख लो भाई, यहाँ पे गाड़ियां भाई, सारे बच्चे आ रखे हैं क्योंकि आज ना मेन मीटिंग है और पर्सनल मीटिंग है। सो करते हैं भाई मीटिंग भी अटेंड, आपको दिखाता हूँ भाई एंट्री गेट क्या है भाई, उससे पहले बढ़िया से मस्त छोले कुलचे खाते हैं, लेट्स गो। तो जी गाइस यहाँ पे रेडी है अपनी मस्त छोले कुलचे की प्लेट और साथ में सैलेड भी है। अंकल जी एक बात बताओ, ये बिल्ली भी छोले कुलचे खाने आई है क्या? जी रोज आती है भाई, देख लो, मैंने सोचा यार कुछ सुंदर सा दिख रहा है आपको दिखा दें। और ये पता नहीं सोई हुई है, क्या कर रही है यार, जागी हुई है कि सोई हुई है, लग तो रहा है। फिलहाल छोले कुलचे खा के मस्त आराम से नींद आ गई है, फिलहाल हम लोग भी खाते हैं और जल्दी से ना यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं क्योंकि अपने वहाँ पे तगड़े वाली मीटिंग है, वो अटेंड करते हैं, दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं। सिर्फ आधा घंटा रह रहा है भाई, आधा घंटा भी नहीं, 25 मिनट। सो लेट्स गो गाइस, खाते हैं और निकलते हैं। तो जी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन जगन्नाथ कम्युनिटी कॉलेज में। और यहाँ देखो भाई सूर्य देवता भी आ चुके हैं, धूप हो चुकी है, टाइम हो रहा है भाई 11:15, सिर्फ 15 मिनट बाकी है मीटिंग चालू होने में। खा पी लिया यार मस्त तरीके से छोले कुलचे, बस जैसे गेट खुलता है ना भाई अंदर जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, वापस आते हैं और हो सका तो कुछ रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो जी गाइस फाइनली कॉलेज मस्त तरीके से अटेंड करके तुम्हारा भाई फाइनली दोबारा पहुंच चुका है भाई अपने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे। और अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं गाइस अपने घर के लिए, दोबारा हरियाणा के लिए ना। सो एंटर करते हैं भाई, कार्ड लगाते हैं और सीधा चलते हैं भाई ISBT पे अपने बस स्टैंड पे ना, वहाँ की बस पकड़ते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने घर पे। कॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, मस्त रहा, आज तो वैसे सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन। हाँ टाइम देखो भाई 11:30 से यहाँ पे 2 बज चुकी है। हाँ चलते हैं घर पे, लेट्स गो। तो जी गाइस फाइनली तुम्हारा भाई रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से सीधा आ चुका है भाई अपना कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो अपने आप में यार बस स्टैंड है। ये देखो भाई वेलकम टू महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट यार। और यहाँ से ना अपन लोगों को बस मिल जाएगी, या तो सोनीपत की या गोहाना की, हो सकता है डायरेक्टली गोहाना की मिल जाए, हो सकता है यार, ये देखो भाई बस स्टैंड ही है, हो सकता है यार सीधा अपनी गोहाना की मिल जाए, हो सकता है सोनीपत की मिल जाए। लेकिन जाने से पहले अपन लोग ना यार यहाँ पे चाय पी लेंगे। और आपको मैंने बताया नहीं यार, कॉलेज से एक रिफ्रेशमेंट मिली थी जो अपने बैग में है, शायद समोसा मिला था। सो आराम से बैठ के चाय समोसा खाते हैं और फिर चलते हैं गाइस बस स्टैंड पे अपने हरियाणा के लिए, अपने घर के लिए ना। और भैया क्या हाल है? बढ़िया, एक चाय कर दो। लो जी तुम्हारा भाई यहाँ पे मस्त करके बैठ चुके हैं भाई चेयर प्लस टेबल पे। सामने यहाँ से देखो भाई, बीच में से दीवार नहीं है ना, यहाँ पे बस स्टैंड दिख ही रहा है, बसेस खड़ी हैं, हो सकता है कि भाई गोहाना की भी खड़ी हो सकता है सोनीपत की भी खड़ी हो यार। सो देखते हैं जो भी होगी ले लेंगे। और सामने देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ से मेट्रो जा रही है जिससे हम उतर के आए हैं भाई नीचे। जी गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं अपनी मस्ती चाय। और इधर देखो भाई कॉलेज की रिफ्रेशमेंट ये थी, वहाँ खोली नहीं, पता नहीं लगा। और इसमें क्या है भाई, एक लेज है और साथ में देखो भाई केचप भी है, समोसा भी है और एक और चीज़ है, चॉकलेट भी है। सो इन चीज़ों को अभी फाइनलाइज ख़त्म करते हैं और उसके बाद चलते हैं गाइस सीधा हरियाणा में, यानी अपने घर पे गोहाना में। फाइनली मेट्रो को गुड बाय कर देते हैं, दिल्ली को बहुत बहुत गुड बाय। हो सकता है भाई 2-4-5 दिनों में 7 दिनों में दोबारा भी आना होगा, लेकिन चलते हैं इसके बाद खाने पीने के बाद बस स्टैंड पे ना, लेट्स गो। तो जी गाइस फाइनली हम लोग आ रखे थे भाई, यहाँ देखो भाई ISBT बस स्टैंड पे और दो दो बसेस लगी हुई हैं भाई, हरियाणा की ना गोहाना की। और टिकट हम लोगों ने यार बूथ से ले ली है, चलते हैं अंदर बस के और मिलता हूँ आपको सीधा गोहाना में। पीछे खा लिया यार, पीछे बैठते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ, यहाँ पे अपना होम स्वीट होम। और कब ना दिन से रात हो जा रही है, कई दिनों से पता ही नहीं लग रहा। कल से पहले तो हम लोग जा रहे थे भाई यात्रा पे 2 धाम की यार, और अपने को पता ही नहीं लगा भाई पूरा दिन कब बीत जाता है। फिलहाल अभी का टाइम देखो हो रहा है भाई
पूरे 5:35 सुबह 7:30-8 के निकले हुए हैं, 9-10 घंटे हो चुके हैं भाई, पता नहीं लगा कहाँ चले गए। आज ना फाइनली आपको बताता हूँ, कॉलेज का पहला दिन था, सो सारा इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ खास नहीं हुआ उससे ज्यादा, बाकी रिफ्रेशमेंट बहुत ज्यादा तगड़ी थी, मजा आ गया। अभी ना गेट नॉक करते हैं। हाँ जी पापा जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया, हो गया सब काम? सब काम हो गया पापा। इंट्रोडक्शन था आज तो कॉलेज का, पहले पहला दिन था। ठीक है मम्मी, कहाँ है हमारी मम्मी? लो जी बैग वहीं पड़ा है भाई साहब, जहाँ कल से पड़ा था ना रात को, वहीं के वहीं बैग पड़ा है ना मम्मा। बाकी सारा है मेरे दिया। गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू, हाउ आर यू? एकदम फाइन। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया। इंट्रोडक्शन हुआ मम्मा, कुछ खास नहीं हुआ। ओके। लेकिन दो चीज थी इंट्रोडक्शन से ज्यादा बढ़िया, क्या दूसरी चीज थी? रिफ्रेशमेंट। चल गंदा बच्चा, समोसा प्लस चॉकलेट प्लस लेज। अच्छा लो जी, ऐसी कुछ रिफ्रेशमेंट थी। फाइनली घर को आ चुके हैं। और मम्मा मैं कह रहा था कब दिन से रात बीत जा रही है, हो जा रही है, पता ही नहीं लग रहा कुछ दिनों से। आज भी दिन पूरा यार बाहर बीत गया अपना, सफर में चला गया है ना। कल भी थक गए थे यार, आज भी 2 बस चेंज किए हैं तो थक ही चुके हैं यार आज भी। तो फोन क्यों नहीं लग रहा था? फोन में एक तो फोन स्विच ऑफ हो गया जब भी, तो यार दूसरा लेके गया था ना, दूसरे से व्लॉग बनता रहेगा चाहे एक स्विच ऑफ भी हो जाए। बिजी शो कर रहा था, देखो ये तो बंद है, पता नहीं मैंने कहा फिर अपने लो जी, ये तो हो चुका है बंद यार, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। इधर देखो भाई, लाल बत्ती आ चुकी है ना। हाँ जी अम्मा, क्या बनाने जा रहे हो डिनर में? पेठे की सब्जी। पेठे की सब्जी है। और आपको बता दूं गाइस, आज ना गली में कुछ छोटा सा प्रोग्राम है मम्मी और का, और मतलब सारी लेडीज का, क्योंकि आज है भाई कर्वे का व्रत। मम्मा कुछ खाया पिया तो नहीं ना सुबह से? कुछ नहीं खाया। पक्का ना, झूठ तो नहीं ना? पापा कुछ नहीं खाया पिया ना? कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया पिया यार, रात को खाएंगे मीटर खींच के। और बताओ मम्मा क्या चल रहा है पीछे? बढ़िया। हमें याद किया कि नहीं किया? बिल्कुल। और अभी तो कॉल की थी 2-3 बार, तो फोन लगाया मैंने आपको। चलो फोन अपना स्विच ऑफ है, चार्ज कर लेते हैं। और फिलहाल डिनर की तैयारियां चल रही है, हम लोग दिल्ली से सक्सेसफुली अपने घर पे वापस आ चुके हैं, और रिफ्रेशमेंट बहुत ज्यादा तगड़ी थी। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अपने को दिल्ली से आए, पूरा पूरे 2 घंटे हो चुके हैं भाई, पूरे 8 बज रही है यहाँ पे, और मम्मी पापा जा रहे हैं चंद्रमा पूजन के लिए। मम्मा कैसे तैयार हो? ब्यूटी पार्लर से? नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह थैंक यू। पापा जी आप भी? मैं सुंदर भाई। ओहो तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे हो चुका है भाई अपना डिनर का टाइम, और डिनर में है भाई आलू की सब्जी है, साथ में पेठे की सब्जी है, और ये क्या चीज है यहाँ पे? दही बल्ले बनाए हुए हैं भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और साथ में चपाती भी है। बाकी होप करता हूँ गाइस आज वाला व्लॉग आपने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा। माना कि यार सारा व्लॉग दिल्ली में बीत गया, लेकिन ठीक है गाइस, आज कॉलेज का पहला दिन था, अपने को कुछ थोड़ा थोड़ा पता लग गया, और इंट्रोडक्शन में मजा आ गया। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।